हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे आप लोग किसी भी इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि आप कुछ लिखा हुआ है उसको आप लेकिन टाइप नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो एक इमेज है, लेकिन उसमें आप टेक्स्ट में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने ही मोबाइल में। कोई भी फोटो है या फिर आप सामने कोई चीज़ है उसका आप फोटो लेके टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वो बहुत छोटा सा है तो आप तो खुद ही टाइप कर लेंगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है, 4-5 पेज हैं, बहुत सारे हैं, तो लेकिन आप नहीं करना चाहते कि हाँ मैं उसे देख देख के उसे टाइप करता हूँ इधर, तो ये बहुत ही ऐसे लोग करते हैं। डॉक्यूमेंट फाइल होती है उसको कंप्यूटर में लाके पीसी में लिख उसे देख देख के आप लोग टाइप करते हैं उसमें। तो इससे आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। आप मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। आप सर्च करिएगा इमेज टू टेक्स्ट, आप सर्च करेंगे वहाँ पर नीचे बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी। जो सब मैंने बहुत सारी ट्राई करी हैं, लेकिन मुझे एक सही एप्लीकेशन ये लगी जिसका आइकन कुछ इस तरह का है, ऊपर देख लीजिएगा आप। तो ये वाली एप्लीकेशन इमेज टू टेक्स्ट आप डाउनलोड करेंगे, ओपन करिएगा इसको। ओपन करने के बाद आपको ऊपर सबसे ऊपर एक कैमरा बन के आएगा, उस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो आपको गैलरी में से, या तो आप गैलरी में से कोई भी फोटो ले लीजिएगा या फिर आप उसमें कैमरे में से कोई भी फोटो ले लीजिएगा। जो भी आपको फोटो लेनी है, अगर कैमरे से लेनी है तो आप कैमरे से फोटो लेके आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। फोटो लेके आप उसको क्रॉप करिए, पहले जितने आपको जितने में टेक्स्ट है, आपको टेक्स्ट जितना आपको टेक्स्ट लेना है उसका उतना आप क्रॉप कर लिए। क्रॉप करने के बाद आप क्लिक करेंगे ओके पे, तो वहाँ से आपका जो भी उसके अंदर टेक्स्ट, जो इमेज के अंदर टेक्स्ट होगा वो सारा उसमें लिख कर आ जाएगा। वहाँ से आप उस टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं, उसमें कॉमा, डॉट, फुल स्टॉप, ये सब जो है ये एप्लीकेशन खुद नहीं लगा पाता, ये सब हमें खुद लगानी पड़ती हैं। बस कॉमा, डॉट, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब जो है ये नहीं, क्वेश्चन मार्क, ये सब नहीं लगा पाता। तो ये सब लगा कर आप उसको सही कर सकते हैं, और वहाँ पर ही आप उसको कहीं कॉपी करके कहीं और भी पेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, बहुत ही आसान है, सिर्फ डाउनलोड करनी है और कुछ नहीं करना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और बेल आइकन भी दबा दिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।